मीनाक्षी जी, आप ये नहीं कर सकती। क्यों? कहे कि अर्नो बिटो के हैप्पी बर्थडे टू यू मनाना बिल्कुल ही पसंद नहीं। ओह, आई सी, इसीलिए आप सब इतने परेशान हैं। वो क्या है ना खुशी जी, अगर हम में से कोई भी छोटे के लिए कुछ करेगा ना तो छोटे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये सब तैयारियां मत कीजिए। दी, दैट्स सो बोरिंग, सो सैड। अमी, बोरिंग? एनके भाई, आप एक काम कर, कल अपने नन्नव भाई के पास प्यार से हैप्पी बर्थडे जाके बोलना, फिर देखना कैसे आपको गुस्से में डांट कर ऐसे देखेंगे जैसे कंपनी के सारे शेयर प्राइसेस आपकी वजह से गिरे हों। ना तो उन्हें किसी को बर्थडे विश करना पसंद है और ना ही कोई उन्हें विश करे वो उन्हें पसंद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दी, आप जिस छोटे की, जीजा जी आप जिस भाई की और ननी जी आप जिस नन्नव जी की बात कर रहे हैं ना, वो शादी से पहले ऐसे हुआ करते थे। शादी के बाद कुछ तो बदलाव आया होगा। आप सब देखना, जब उन्हें पता चलेगा कि हमने इतने प्यार से इतना सब कुछ किया, घर को सजाया, गुब्बारे को फुलाए, प्यार से खाना बनाया, तो वो प्यार से आपको डांट कर चले जाएंगे। हम करेंगे, जरूर करेंगे। कल हमारे पति का जन्मदिन है और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो उस दिन को खास बनाए। ये लो, मिठाई वाले को बोला ही नहीं। खुशी जी इतने प्यार से ये सब कर रही है, उन्हें कितना बुरा लगेगा ना अगर छोटे उन पे गुस्सा हुए और उन्हें ये सब पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आएगा? नहीं नहीं, जलेबी नहीं चाहिए, जलेबी हम खुद बनाएंगे। आपको चाहिए तो हम 1 किलो भिजवा देते। आप सिर्फ नारियल की बर्फी भेजना और वो भी बिना शक्कर की, ठीक है? खुशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखा कितनी प्यार से बुलाया। खुशी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस आपको खुश करने की तैयारी। खुशी, मेरे बर्थडे को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम सेलिब्रेट करें। लेकिन अर्नव जी, खुशी मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे, सो प्लीज ऐसे बिहेव करो जैसे कोई आम दिन है। लेकिन ऐसे कैसे? ऐसा ही है खुशी। ये अलार्म क्यों? नहीं कुछ नहीं। दी, आपको वो मिस्टर शर्मा याद है, भाई के क्लाइंट? पिछले साल उन्होंने भाई को जन्मदिन की बधाई दी थी। ओके, फिर क्या हुआ? फिर उनकी आखिरी बधाई थी। क्या? ओह माय गॉड। नहीं नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ने उनको ऐसे गुस्से से देखा कि उसके बाद जन्मदिन की बधाई क्या, उन्हें गुड मॉर्निंग भी विश नहीं करते। ओके, खुशी जी, हमने आपको बताया था ना, छोटे को ये सब पसंद नहीं है। लेकिन आप परेशान मत होइए ना। But Dee, that's so sad ना? मुझे धोबी कुत्ता पहना था, अब मैं कब पहनूंगा? ये कैसे है, इन्हें अपना जन्मदिन मनाने का मन ही नहीं करता और हम अपने जन्मदिन पे पूरे मोहल्ले को सर पे उठा देते थे और फिर पता चलता था कि जन्मदिन कल है। साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन तो जन्मदिन होता है, उसे कैसे जाने दे? तोहफा तो दे ही सकते हैं। अगर वो ऐसे हैं, तो हम भी ऐसे हैं। आकाश भाई, ये खुशी जी के पहले वाले ऐसे और दूसरे वाले ऐसे में फर्क क्या था? वो आप लागत है कल हमका 4-5 DVD मंगा के रखे ही पड़ी। अर्नव बिटो का एंगर देखे से तो अच्छा है कि हम सनी देओल का एंगर देख देख करेंगे। हेलो, हाय, बाय बाय। यस यस, दैट्स राइट,
मैं भी आपके साथ देखूंगा सनी डियोल को. टू मच टू मच. हमने आपको डिजाइन दिखाया था ना, बिल्कुल वैसा ही सूट चाहिए जी, लेकिन जल्दी चाहिए. लेटेस्ट नाप? ठीक है, हम नाप लाके आपको देते हैं. जी जी. खुशी जी, आप क्या? दी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा. जी सूट अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इसके साथ क्या करने वाली हो. क्या? अब हम सोच रहे थे कि हम इसे लॉन्ड्री में भेज दें. ब्रांड न्यू सूट है, ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं. तभी तो नया है, तभी तो इसे हर 2-3 दिन बाद साफ करेंगे, तो ये पुराना कभी होगा ही. खुशी, are you sure तुम कल के लिए कुछ प्लान नहीं कर रही है? कल? कल क्या है? अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा ही हो तो अच्छा है. ये लाड गवर्नर है या जासूस? अब हम सूट के लिए नाप कैसे लेंगे? आप भी ना अब तक कल पे अटके हुए. अरे आज के दिन को तो गुजर जाने दीजिए. ये प्यार का मौसम, ये आलम, ये लम्हा. खुशी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अर्नब जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं. क्या? हमें बहुत शर्म आ रही है. आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना. What? कीजिए ना. आपको पता है हम हमेशा से यही सोचते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं जो हमें इतना खूबसूरत पति मिला. कबरू जवान या कमाल का कद और काठी. और ये चौड़े कंधे, ये तो कोई भी बोझ उठा सकते. और आपकी बाजुएं, ये तो सलमान खान जी को भी मात देते. और इस छाती पे कितना सुकून मिलता है हमें यार. खुशी, बहुत आपको पता है जब हम आपके इतने पास होते तो मन करता है कि Okay, you come on here now. तुम वहां क्या कर रही हो? अपना जहान ढूंढ रहे. खुशी, इना ऊपर आओ. कम ऑन. रियली? मौसम इतना ही अच्छा है ना? लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर. था सुहाना, था प्यार का बादल निकल गया. अर्नब जी, हमें बहुत काम है, हमें जाना होगा. हम चलते हैं. सुनिए,
इंतजार कीजिए। हमने सुना है इंतजार का फल मीठा होता है। पता नहीं कल क्या करेगी। हम भी सोच रहे हैं जल्दी से खा के निकल जाए वरना सत्संग के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। वैसन, आज बहुते दिनों बाद सिंपल ब्रेकफास्ट करे का आइडिया बहुते अच्छा रहा। Thank you.
भाई ये प्लान वर्कआउट हो गया, बस कुछ नंबर्स आने बाकी हैं, फिर हम प्रेजेंटेशन के लिए कंप्लीटली तैयार हैं। ग्रेट, एनीथिंग एल्स? हाँ, ये फाइल अगर आप एक बार चेक कर लेते तो। आकाश, हम इस फाइल पे पिछले 2 घंटे से बैठे। कोई बात नहीं भाई, मैं थका नहीं हूँ, आई कैन गो ऑन, बस एक बार टेंडर्स देख लीजिए उसमें। तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? नहीं, मैंने सारी डिटेल चेक की। नदार, आज मेरा बर्थडे। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, बट भाई आप ही तो कहते हो ना बर्थडे और आम दिन में कोई फर्क नहीं होता, है ना? Yeah. Let's take a break. खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। मैं ऑर्डर करता हूँ। खुशी? आप अपना खाने का डब्बा घर पे ही भूला, इसलिए हम ले आए। सोचा साथ में खाना खाते हैं। Okay. एप्पल 7 कोर्स मील होगी और पहले डब्बे में पर्सनल नोट होगा। एनीवे, आप लोग अपना लंच एंजॉय कीजिए, मैं अपने कैबिन में जाके थोड़ा काम कर लूं। अरे जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, साथ में खाना खाते। नो नो, इट्स ऑलराइट, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। दाल चावल करेले की सब्जी और चपाती। ये लंच है जी, सादगी से भरा घर का खाना। ये करेले की सब्जी सेहत के लिए अच्छी होती है, अब जल्दी से खाइए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, घर जाते वक्त हमें सब्जियां खरीदनी है। खाइए ना, इतना अच्छा खाना सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। अरे हम तो भूल ही गए। अब फाइनली मुझे विश करेगी। हाजमे के लिए अच्छी होती है, ये लीजिए। तो कम से कम विश तो कर सकती थी। क्या देख रहे हैं सब? सलमान जी की फिल्म का नया ट्रेलर। अर्णव जी के लिए केक। अर्णव भैया, आपके लिए किसी ने केक भेजा है? एक मिनट, हम देखते हैं। जी? बॉस ने अर्णव जी के लिए केक भेजा है। देखिए, आप अपने बॉस से कह दीजिए कि केक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये रख नहीं सकते। वो क्या है ना, अर्णव जी को अपना जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप इसे वापस ले जाइए। लेकिन बॉस ने कहा था कि अर्णव जी को इसे खुद देकर आना। आप बात को समझिए ना, उन्हें अपना जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता। क्या किया तुमने? वही जो आपने कहा था,
आप ही ने तो कहा ना आपको अपना जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।